अयोध्या में होने वाली भव्य रामलीला के कलाकार आज मेरठ पहुंचे और उन्होंने उसके बाद वहां प्रेस वार्ता की। अयोध्या में शुरू होने वाली भव्य रामलीला अपने आप में एक आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। यार रामलीला एकमात्र ऐसी भव्य रामलीला होगी जिसमें बॉलीवुड के तमाम कलाकार अब रामलीला के पात्र में नजर आएंगे। यह पात्र अब तक फिल्मी पर्दों पर कलाकारी करते दिखाई देते थे, लेकिन अब यही पात्र रामलीला के मंच पर राम, लक्ष्मण, सीता और तमाम रामलीला के पात्र के रूप में देखे जा सकेंगे। अयोध्या में होने वाली भव्य रामलीला में अपना किरदार अदा कर रहे यह सितारे मेरठ पहुंचे, जिसके बाद मेरठ के जिला पंचायत कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर रामलीला के बारे में ज्यादा जानकारी दी गई। बता दें अयोध्या में 17 अक्टूबर से रामलीला का मंचन शुरू हो रहा है, जिसका टीवी चैनल, यूट्यूब व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोजाना प्रसारण किया जाएगा। इसके कलाकार आयोजन समिति के सदस्य मेरठ पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने रामलीला के बारे में ज्यादा जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेरठ के लिए यह खुशखबरी भी है, जिस रामलीला को दुनिया भर के लोग देखेंगे उसमें दो कलाकार मेरठ के भी शामिल हैं। इन कलाकारों में रावण के भाई कुंभकर्ण का रोल मेरठ जिला पंचायत अध्यक्ष कुलविंदर गुर्जर के पिता और भाजपा नेता मुखिया गुर्जर अदा कर रहे हैं। मेरठ पहुंचे कलाकारों ने बताया कि कौन कलाकार भव्य रामलीला में क्या रोल अदा करेगा उसके बारे में भी आयोजक समिति ने विस्तार रूप से जानकारी दी। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि रामलीला में राम का किरदार निभाने वाले सोनू डागर, सीता की भूमिका में कविता कौशिक, भाजपा नेता मनोज तिवारी अंगद की भूमिका में रवि किशन, भरत की भूमिका में बिंदु दारा सिंह, हनुमान की भूमिका में मुखिया गुर्जर कुंभकर्ण और परविंदर सिंह शत्रुघ्न की भूमिका में नजर आएंगे। जिला पंचायत कार्यालय पर हुई प्रेस वार्ता में रामलीला समिति अध्यक्ष सुभाष मलिक, उपाध्यक्ष बीपी टंडन, निदेशक प्रवेश इंद्रजीत और जिला पंचायत अध्यक्ष कुलविंदर सिंह मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में कलाकारों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। आइए जानते हैं इन कलाकारों ने क्या क्या बताया। मेरठ से फेमस इंडिया के लिए आशीष प्रेमी की रिपोर्ट। दान निभा रहा हूँ। सबसे पहले आपने कभी रामलीला मंचन में चुके? नहीं, रामलीला की मैंने कभी नहीं की। चलिए, पहली बार आपको ऐतिहासिक धरती से राम जन्मभूमि पर जब राम जी वहाँ विराजमान हो गए हैं, अब आपको रामलीला करने का मौका मिल रहा है, कैसा अनुभव रहेगा? अभी तक तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन हो रही थी, डायलॉग याद करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बट फिर आदत सी बन गई करने की और अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है पहले से। एक राम जी का जो पात्र है वो विशेष पात्र है पूरी रामलीला के अंदर। हाँ जी। कब से तैयारी आप इसकी कर रहे हैं? इसकी तैयारी लगभग 1.5 महीने से हम लोग इसकी रिहर्सल चल रही है हमारी। दिन में कम से कम 5 से 6 घंटा हमारी रिहर्सल होती है, तो यही चल रहा है। संवाद जब सीता जी पुष्प तोड़ रही होती है वन में, तो हम भी पुष्प तोड़ रहे होते हैं राम जी, तो सीता जी को देख के वो बोलते हैं लक्ष्मण को, हे लक्ष्मण बड़ा अचंबा है, सारा उपवन झुंकार उठा, छा गई सरसों में भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भाषित होता यह भ्राता है, दुंदुभी बजा कर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। जिन कानों ने उपदेश सुने अब उनके रंग निराले हैं, जो नयन लजीले रहे सदा वो किसको देखने वाले हैं। कविता जी, अब तक आपको हमने देहाती फिल्मों में देखा किरदार करते हुए, आज पहली बार आपको देखेंगे रामलीला के मंचन से, वो भी ऐतिहासिक राम जन्मभूमि पर, जहां पहली बार ऐतिहासिक रामलीला होने जा रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब तक मैंने हरियाणवी फिल्में की हैं, वो मेरा एक अलग एक्सपीरियंस था, और आज अगर मैं ये रामलीला कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं वहाँ से चल के ही मैं इस रामलीला तक पहुँची हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये रामलीला में माता सीता का किरदार निभाने का मौका मिला है। एक ऐतिहासिक रामलीला है जो इतिहास में दर्ज होने वाली है, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सबसे पहले कभी आपने रामलीला के मंचन में कहीं सीता का कैसे किरदार निभाया? नहीं, मैंने कभी नहीं निभाया। पहली बार आप संवाद अभी मैं एक्चुअली बोल चुकी हूँ, चलिए मैं वही रिपीट कर देती हूँ। यदि आकांक्षा थी प्रेम दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता, यदि बल था तो उसी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं, चोटा है चोटा,
हर कर लाया है एक अबला को और अब भी जीतना चाहता है छलबल से अटल सत्यता को। थैंक यू। कौन सी नई मूवी आ रही है? अभी तो टाइम है और जब आएगा तो मैं डेफिनेटली आप सबको बताऊंगा। मेरा नाम परविंदर सिंह। परविंदर जी, ऐतिहासिक धरती से राम जन्मभूमि पर आपको रामलीला करने में आपके शत्रुघ्न की भूमिका जी अदा करने का मौका मिल रहा है क्या सर? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे अयोध्या में राम मंदिर के नींव रखने के बाद जो पहली रामलीला होने जा रही है उसमें शत्रुघ्न का किरदार करने का मौका मिल रहा है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे रामलीला कमेटी का और हमारे डायरेक्टर साहब परवेश जी का जिन्होंने मुझ पर इस लायक समझा कि मैं शत्रुघ्न का किरदार निभा पाऊँ और एक हिस्सा बन पाऊँ परिवार। इससे पहले भी कोई मंचन आपने कहीं? नहीं, इससे पहले कभी कुछ नहीं था। अद्भुत अनुभव महसूस कर रहा हूँ और राजनीति एक अलग क्षेत्र है और ये कला का अलग क्षेत्र है और इसमें पूरी आस्था और भक्ति के साथ जब करने का तो मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन का जो है काया पलट हो गई है और मैं मेरे सामने चुनौती है कि मैं अपनी मेरठ की क्रांति धरा की जो विशिष्ट पहचान है उस पहचान को बरकरार रखूँ उस समय जिस समय ये अदाकारी मैं मेरठ की पौराणिक धरती पर करूँगा। आपको जो मौका मिल रहा है वो सबसे ज्यादा ऐतिहासिक धरती पर मिल रहा है जहाँ राम जी अब आ गए हैं वही ऐतिहासिक धरती मिल रहा है। प्रभु रामचंद्र जी का जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होना और पूरे देश में एक ही रामलीला का मंचन होना अयोध्या की रामलीला का और उसमें मुखिया गुजर की भागीदारी हो तो मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ।